जी इसका पार्ट वन एमसीक्यूज का होता है, दूसरा क्वेश्चंस का होता है, तीसरा भी क्वेश्चंस का होता है, पार्ट फोर भी क्वेश्चंस का ही होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होता है। पार्ट फोर में हमने सिक्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और जिसमें डेफिनेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो नाइन्थ जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो डेफिनेशन को कभी भी मिस ना करें। अब जो हमारे पास पार्ट फोर है उसमें पहला क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी को चैप्टर नंबर एट से क्वेश्चन गिवन है। तो यूनियन का मतलब होता है वैल्यूज को इकट्ठे करके लिखना, ए बी और सी, यानी कि अगर ए है तो ए एक दफ़ा, बी नहीं है तो बी एक दफ़ा, सी नहीं है तो वो भी एक दफ़ा, ई फिर आई फिर ओ फिर यू। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है डिफाइन, डेफिनेशन आ गई इंटरसेक्शन। अच्छा डेफिनेशन इंटरसेक्शन में अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन टू वैल्यूज भी लिख सकते हैं और साथ में आपने इसका फॉर्मूला भी मेंशन करना। मैं डेफिनेशन अटेम्प्ट करने का पूरा एक तरीका बताऊंगा और गिनती की जो आपको 30 से 40 डेफिनेशन बनती है इंपॉर्टेंट उन्हें सिर्फ वही लिखवा दूंगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन रेशनल नंबर्स आते हैं, वो तमाम रिलीजन को पीपल डब्ल्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है रेशनल नंबर्स के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, ये पार्ट फोर में 2019 के ग्रुप वन के पेपर है। डिफाइन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर की भी डेफिनेशन ही आपने करनी है। उसके बाद एक नया क्वेश्चन है हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर फोर, जो उसमें लिखा हुआ था जी कन्वर्ट इनटू 20 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है इनटू फॉरनाइट। ये एक चैप्टर नंबर 9 में आता है, आप इसके फॉर्मूलाज को याद अगर कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा। फॉरनाइट का फॉर्मूला याद कर लें, आपके 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेंटीग्रेड जो मैं गिवन होती है प्लस 32 फॉरनाइट के लिए, 9/5 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 30, 5/4 20 9/36 + 32 इनको ऐड कर लें आपके पास बन जाएगा 8 और 6 68 फॉरनाइट के लिए, ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपने इसको डिफाइन करना है ऑर्डर पेयर को, एक्सप्रेस ऑन ग्राफ ये बी वैल्यू गिवन है 0 और 7 की, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाई की वैल्यू पे एक्स की बाई एक्स की वैल्यू 0 है तो वो काम जो होगी, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये 7 पॉइंट रहेगा, तो 0 और 7 ये पॉइंट बन गया बाई एक्स, क्योंकि बाई की वैल्यू 7 है तो इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सेस आ रहे हैं और ये वाई एक्सेस, आप ये इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फाइंड फॉर डाटा जो आपके पास गिवन है 6 2 4 3 5 5 के बाद 4 और फिर 5, ठीक है, और फाइंड करना मोड। अच्छा जी मोड फाइंड करना है तो सबसे पहले आप डाटा को अरेंज कर, अरेंज करने के बाद आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अच्छा मोड की डेफिनेशन सुन लें, अगर अनग्रुप डेटा का मोड फाइंड करना होता तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, मोस्ट यानी कि वो वैल्यू जो बार बार दफाई हो, तो आप चेक कर लें यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी हैं जो दो से ज्यादा दफाई है, 4 है और 1 5, तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों को मोड कंसिडर करेंगे, आप एक वैल्यू को नहीं लेंगे, 4 और 5 आपका मोड है। उसके बाद आपने रेंज फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास रेंज 8 में अरेंज आती है, उसमें लिखा है 2 9 3 6 12 एंड 8। रेंज में क्योंकि डाटा स्मॉल होता है तो रेंज बेसिकली हम इसको अगर पंजाबी में कहें औकात भी कह सकते हैं, और सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दें तो आपकी रेंज डिटरमाइंड होगी, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू माइनस 12 है और सबसे छोटी वैल्यू 2 है वो इक्वल टू 10 आती है रेंज। इसके बाद हमारे पास आखिर पे डाटा डिफाइन हमारे पास जो डेफिनेशन आती है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो वो ये कह रहा है कि मोड मीडियन फाइंड कर लीजिए, मीडियन की आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डेफिनेशन आ रही हो तो फॉर्मूला भी लिख देंगे तो आपके नंबर मिल जाते हैं। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इसका पार्ट आएगा पार्ट 2, और हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के मुकम्मल पार्ट कर लिए, थैंक यू वेरी मच।